महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले भी मुखर दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को हमने एक पत्र दिया था, हमने उसमें 21 जगह सीटों की मांग की थी। आरआईपी नेता ने यह भी कहा कि 21 में से 8-10 सीटें हमें मिलनी चाहिए। रामदास अठावले ने कहा किस पार्टी को कौन सी सीट मिलने वाली है ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस से हमारी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि हम रिपब्लिकन पार्टी को कुछ सीटें देंगे, कितनी मिलेंगी ये अभी मालूम नहीं है, सीटें आगे पीछे हो सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले भी मुखर दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को हमने एक पत्र दिया था, हमने उसमें 21 जगह सीटों की मांग की थी। आरआईपी नेता ने यह भी कहा कि 21 में से 8-10 सीटें हमें मिलनी चाहिए। रामदास अठावले ने कहा किस पार्टी को कौन सी सीट मिलने वाली है ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस से हमारी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि हम रिपब्लिकन पार्टी को कुछ सीटें देंगे, कितनी मिलेंगी ये अभी मालूम नहीं है, सीटें आगे पीछे हो सकती है।